वही अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम किया ऐलान कर दिया है। पार्टी ने इस सीट से एक बार फिर सांसद अजय टमटा पर दावा खेला है। उत्तराखंड की खास सीट मानी जाने वाली अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट में प्रत्याशी घोषित होने के बाद अब भाजपा ने चुनावी तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में आज पाताल देवी पार्टी कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में पहुंची मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि बीजेपी इस बार अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट को सबसे अधिक मतों से जीतेगी। टिकट नहीं मिलने के सवाल पर मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पार्टी उन्हें जिस दायित्व पर रखेगी वो उसका निर्वहन। आपकी बात 400 पार, हम इस 400 पार के लिए अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा को जिताने के लिए यहाँ पर योजना बनाने के लिए बैठे हैं। हम सब लोग कार्यकर्ता यहाँ पर, हमारी कोर ग्रुप की बैठक हुई, फिर प्रबंधन समिति की बैठक हो रही है, हमारे प्रभारी और संयोजकों की बैठक हुई, सब ने लक्ष्य निर्धारित कराया है कि हम 5 लाख से अधिक मतों से इस लोकसभा को जिताकर आदरणीय मोदी जी को कमल का फूल देने वाले हैं। आने वाले समय में किस प्रकार हमारे को बूथों पे काम करना है, किस प्रकार से चुनावी प्रबंधन करना है, किस प्रकार की रणनीति बनानी है और किस प्रकार के मुद्दे जो है जनमानस के मध्य में रखना है, किस प्रकार से हमें रिप्लाई करना है, ये सारी चीज़ों पे आज समीक्षा की गई है और उसके लिए लोकसभा प्रभारी जी ने उसमें मार्गदर्शन भी दिया है। मुझे लगता है जिस प्रकार से हमारे जिलाध्यक्षों का संगठन के जिस प्रकार से सहयोग प्राप्त हो रहा है, मुझे लगता है कि 100% जो एक लक्ष्य कि हम 75% वोट अधिक वो तो मत प्रतिशत प्राप्त करते हुए 5 लाख से अधिक मतों से जीतेंगे, उस लक्ष्य की ओर बढ़ने की रणनीति आज तैयार हो गई है।